मत पूछिए, सुने 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 बात सुने। सबसे पहले नाम बताइए। गिरुवर दास। ऑफिस आने का क्या समय है? ऑफिस आने का समय 10:30। नमस्कार, मैं हूँ मनीष। इस वक्त हम रायगढ़ रोड पर, विधानसभा क्षेत्र है सीतापुर, जो मंत्री अमरजीत भगत का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के नगर पंचायत में रुके हुए हैं। जाते समय हमें लगा कि देखना चाहिए क्या हाल है सरकारी दफ्तरों का। तो आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त नगर पंचायत सीतापुर में हूँ और सीतापुर के नगर पंचायत में हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के 11 बज गए हैं और ठंड का मौसम है, पर दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर क्या स्थिति है, अधिकारी कर्मचारियों की क्या स्थिति है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, कितने स्टाफ हैं। आप देख सकते हैं प्रवेश के तो यहाँ लिखा हुआ आदेश है कि कार्यरत समस्त नियमित प्लेसमेंट कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में 10 बजे तक उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ प्लेसमेंट और नियमित कर्मचारियों को दरअसल आदेशित किया गया है, मगर देखते हैं कि जो खुद आदेश करने वाले जो यहाँ के CMO हैं, वो अधिकारी यहाँ पर हैं कि नहीं हैं। आप लोग कौन हैं यहाँ? आप लोग यहाँ पर प्लेसमेंट कर्मचारी हैं आप लोग? क्या शुभ नाम है आपका? सावित्री दास। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ पर? मैं बस यहीं पानी रजिस्टर यहाँ से वहाँ। अच्छा, तो आपके CMO साहब आए हैं क्या? अंबिकापुर में काम है उनका। अंबिकापुर में? बताइए कौन से, कहाँ बैठते हैं साहब? तो आप देख सकते हैं, ये सुशील कुमार तिवारी CMO है नगर पंचायत सीतापुर के, और तो ये साहब का दफ्तर है, तिवारी जी का CMO है। और जैसा ये यहाँ अप्यून है ना, आप बता रही हैं कि साहब जो है डेली अंबिकापुर से आना जाना करते हैं, सूरजपुर से। तो समय आपको मैं दिखा दूँ, दिन के सुबह के 11 बज रहे हैं। और भी कुछ यहाँ पर कमरे हैं, यहाँ कौन बैठता है? आप यहाँ पर कौन हैं? क्या शुभ नाम है आपका? शशि भारत। ऑपरेटर हैं आप? यहाँ साहब कौन है? इंजीनियर से। अच्छा, आए हैं कि नहीं आए हैं वो? सर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो अभी नए इंजीनियर नहीं आए हैं। तो ये खाली है, ऐसे खाली रहता है? अभी वो यहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं तो। अच्छा, ज्वाइन नहीं किए। हाँ, ठीक है। तो ऐसे में उनके जगह पे काम कौन देख रहे हैं? अभी आएंगे तब देखेंगे, उनके जगह में अभी कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं, मतलब काम पूरा ठप पड़ा हुआ है। ठीक है, दफ्तर है क्या ये? हमारे इंजीनियर साहब का चैम्बर है। अच्छा, अभी वर्तमान में पदस्थ नहीं है। हाँ, ट्रांसफ़र हो गया है आपका सरईपाली से, और रिलीव होकर के वो आने वाले हैं, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। आप तो यहीं के नियमित कर्मचारी हैं ना? हाँ जी। आइए ना जरा, मेरे को थोड़ा नगर पंचायत की स्थिति देखनी है, तो थोड़ा आप बताएंगे। उसके लिए तो हम लोग थोड़ा मीडिया में वो चीज़ देने के लिए। नहीं नहीं, आप मेरे को नगर पंचायत तो घुमा सकते हैं ना, मैं अगर आपके दफ्तर में आया हूँ। आप आइए ना, आप आइए मेरे को। कैमरा अपन बता सकते हैं। हाँ, आइए ना जरा, बताइएगा बाहर। नहीं, कैमरा पे तो हम लोग को क्या है कि, तो कैमरे पे क्या मतलब, आपके जो नगर पंचायत का कैंपस है वो तो घुमा सकते हैं ना। मैं आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा, आप बाध्य नहीं है जवाब देने के लिए। आइए, मगर कैंपस तो दिखा सकते हैं ना। आइए, कैंपस तो आप लोग देख ही चुके हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितने हैं आपके यहाँ रेगुलर स्टाफ, कितने हैं नियमित कर्मचारी? 5 लोग हैं। 5 लोग जी। और जो प्लेसमेंट वाले हैं? प्लेसमेंट में लगभग वही 32-33 लोग हैं। 32-33? हाँ, तो यही हाल रहता है। 11 बज गए हैं सुबह के, अभी तक लोग हैं नहीं। नहीं आते हैं सब, जैसे स्वीपर हैं तो वो अपना मॉर्निंग में 7 बजे से आकर के चले जाते हैं। नल जल वाले हैं तो वो सुबह 6 बजे से अपनी ड्यूटी करते हैं। इधर इधर कौन लोग बैठते हैं? आपका क्या शुभ नाम है मैडम? मेरा लिपिका है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाली हैं? जी। तो CMO साहब अभी तक आए नहीं है, पर आप लोग के लिए आदेश है 10 बजे आने का। जी, वो JD ऑफिस में कुछ काम है सर, वही से कुछ जरूरी काम रहता है तो अपन फ़ोन से मतलब बात करते हैं। सबसे पहले नाम बताइए। गिरुवर दास। क्या करते हैं आप? मैं सहायक राजस्व निरीक्षक हूँ। अच्छा, आपके ऑफिस आने का क्या समय है? ऑफिस आने का समय 10:30। अच्छा, अभी कितना समय हो रहा है? अभी मैं अपनी पत्नी को थोड़ा डॉक्टर पास दिखाने ले गया था। अच्छा। मेरा कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं है कि मैं इतने बजे ही आऊँगा, है ना। और उसके अलावा मेरे पास राशन कार्ड सेक्शन है, डे एनुअलम है। नगर पंचायत के सफाई आप ही के जिम्मे है?
क्या कीजिएगा, आप सौंप दिए हैं सफाई दरोगा यहाँ पर। की स्थिति आप दिखाएंगे चल के कि कितना साफ सफाई है। आइए, आप पूरा नगर पंचायत में साफ सफाई करते हैं, आप मेरे को आप अपने छत के ऊपर का बस सफाई दिखा दीजिए कि क्या स्थिति। आइए जरा, ये शौचालय का शुभ नाम बताएं अपना। गिरवरदास जी। अब गिरवरदास जी से हम समझेंगे कि जो पूरे सीतापुर नगर पंचायत का साफ सफाई करते हैं, उनके इस कैंपस का क्या हाल है, उनके परिसर का क्या हाल है। आइए आइए, तो आप मेरे को जरा बताइए सीढ़ी किधर है चढ़ने का। आगे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे है और हम आपको दिखाएंगे अभी कि नगर पंचायत का जो कैंपस है कितने बड़ा क्षेत्र में बना होगा ये कैंपस। अच्छा, सेक्शनों को देखने में आदमी परेशानी तो है। तो ये नगर पंचायत सीतापुर का छत है ये बिल्डिंग का, और छत की साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि पूरे नगर पंचायत सीतापुर में इन्हीं का जिम्मा है साफ़ सफाई का, और सुबह 6 बजे ही ड्यूटी पे आ जाते हैं, और इनके अंडर में करीब 32 प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, है ना। नहीं, मेरे अंडर में 32 नहीं है। अच्छा, सफाई विभाग में सिर्फ 12 लेबर हैं। 12 लेबर हैं। हाँ। तो ये क्या स्थिति है, ये साफ़ सफाई है क्या आपके छत पर। अब नगर को देखने में और फिर वार्ड को, वार्डों में 15 वार्ड हैं, कुल 12 सफाई कर्मचारी हैं। कुल 15 वार्ड में 12 सफाई कर्मचारी हैं। अब साफ बता रहे हैं कि इसलिए शायद इनका बिल्डिंग ही साफ़ नहीं हो पा रहा है, मतलब आप तमाम जगह पर देख सकते हैं कबाड़ है। इसके अलावा मैं छत से ही आपको दिखाऊंगा। शौचालय तो काफ़ी का है ना, ये बाजू में ज़रा दिखाइए तो कहाँ है शौचालय की स्थिति। हाँ, यहाँ का जो चौकीदार है, हाँ, वो ध्यान नहीं देता है। और आप पूरे सीतापुर को साफ सफाई करने की बात बता तो रहा हूँ। हमारे यहाँ स्टाफ कम है और लंबा चौड़ा एरिया है। अच्छा अच्छा। और यहाँ का बाथरूम का दरवाज़ा को यहाँ की पब्लिक लोग ला के तोड़ देते हैं। तो ये नगर पंचायत कैंपस में आके पब्लिक तोड़ लेती है। हाँ, यहाँ का चौकीदार एक्टिव नहीं है। अच्छा। जो यहाँ पर ध्यान नहीं देता है। अब हम लोग 24 घंटा तो बाथरूम के पास खड़े नहीं रह सकते। हाँ, अपन को पूरा नगर को देखना रहता है। बाथरूम का आप देख सकते हैं लगभग सामान गायब है, पानी भी टपक रहा है मूत्रालय में, शौचालय में जी, और दरवाजे भी नहीं लगे हैं। चौकीदार की लापरवाही है। चौकीदार की लापरवाही जी।